नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट में मैं हमेशा डेटा की बात करता हूं और आज भी हम वही बात करेंगे कि डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या डेटा से ही मार्केट चलता है और बड़े प्लेयर का डेटा हमें कैसे मार्केट में पता चल जाता है लाइव मार्केट में कि हाँ बड़े प्लेयर वहां पे शॉर्ट कर रहे हैं या फिर लॉन्ग कर रहे हैं और उनकी क्या पोजिशन बन रही है लाइव मार्केट में, हमारा मनी फ्लो क्या कर रहा है, मनी फ्लो हमें लाइव मार्केट में कैसे देखना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड कैश में, तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक बात होती है और उसके साथ हम मार्केट का व्यूज भी बताते हैं और मार्केट हमारा बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है। देखिए, हमने कल की जो वीडियोस पोस्ट किया था थोड़ा लेट पोस्ट हुआ था, लेकिन व्हाई क्लाइंट ऑलवेज बुलिश, ये मेरा आपको वीडियोस का थीम था कि क्लाइंट की और निफ्टी 16,600 मैंने यहाँ पे देखा लिखा है कि 16,600 निफ्टी आपको देख लीजिए यहाँ पे टच करेगा और निफ्टी ने वहां पर टच किया 16,600 लगभग आपको, तो उसके बाद बिल्कुल टच करने की प्रोबेबिलिटी है भी 16,600-800 आपको के लगभग लाया टारगेट। तो ओवरऑल जो टारगेट है वो कौन से लेवल पे है, कैस लेवल पे हमें ट्रेड करना है, आप देखें क्लोजिंग आपको यहाँ पे जैसे ओपनिंग हुआ आपको मार्केट का 16,827 आजकल लो लगाया, तो क्या 16,600 आएगा या उससे भी नीचे जाएगा, इस लेवल पे हम बात करेंगे पूरे निफ्टी का। तो चलिए एक बार हम पहले डेटा देख लेते हैं कि कौन से डेटा पे हम लोग काम करते हैं, डेटा कैसे वर्क करता है और उसकी हमें एनालिसिस कैसे करना है। तो आप जो 27 का देखें यहाँ पे हमारे क्या थे, क्लाइंट ने क्या किया था, उन्होंने जो है वो शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर दिया था, लॉन्ग भी क्लोज किया, लेकिन ओवरऑल इनका देखिए पैसा यहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाने में लगा हुआ था सॉरी दोस्तों, जबकि यहाँ पे FII ने 27 को एक शॉर्ट पोजिशन बनाया था, 11,000 क्वांटिटी शॉर्ट पोजिशन इनका था और एज यूजुअल प्रो क्या है यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल थे और DI हमारे बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन इनका शॉर्ट में ही पड़ा हुआ था। और आप यहाँ पे अगर 27th का ये ऑप्शंस का डेटा देखें तो हमारे क्लाइंट क्या थे, ये कॉल बाई करके गए थे, ये जो अगर प्लस में है 22 है और यहाँ पे 4,26,000 क्या इन्होंने राइट करके गए थे पुट को, तो यहाँ पे इनकी जो मनी फ्लो वो पॉजिटिव की थी। और सेम यहाँ पे आप देखें तो हमारे लगभग जो FII है उनके पास पुट 4,15,000 पुट पड़ा हुआ था बाइंग का और कॉल 1,71,000 पड़ा था और प्रो ने एक अच्छा खासा कॉल की राइटिंग की थी 4,29,000 क्वांटिटी, इनके पास पुट की राइटिंग नहीं थी। तो ये डेटा हमें यही इंडिकेट कर रहा था कल के लिए कि आज मार्केट में बिल्कुल नीचे ही रहना है और वो डेटा देखिए रंग दिखाया। तो आज अभी आपको है कल एक्सपायरी है, वो भी मंथली एक्सपायरी है, तो हमें कैसे ट्रेड करना है, डेटा बेसिस पर हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है आज का। तो आज आप देखें क्लाइंट ने क्या किया है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्लोज किया है, लेकिन ये लॉन्ग ज्यादा क्लोज किए हैं, आप देखें इनका लॉन्ग का पोजीशन ज्यादा है और दोस्तों मोस्टली इनमें से ये पोजीशन आप क्या करेंगे कि एक रोल ओवर करेंगे, मुझे यहां तक लग रहा है क्योंकि अगर ये रोल ओवर नहीं करना होता तो ये मैक्सिमम लॉन्ग पोजीशन आज क्लोज कर देते। आप यहां देखेंगे कल की डेटा मैक्सिमम ये रोल ओवर करेंगे हमारे क्लाइंट या फिर अगले एक्सपायरी में लेके जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे इनका पोजीशन क्या है, लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा नीचे रहना है, इन्होंने क्या किया पोजीशन अपना यहाँ पे लॉन्ग क्लोज कर दिया है, जबकि FII ने दोनों चीज किया, देखिए अगले मंथली के लिए लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ऐड किए हैं, इनका जो पोजीशन यहाँ पे हेज करके गए हैं। तो ओवरऑल इनके जो है नेट बेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि जितना लॉन्ग क्वांटिटी किए हैं उतना ही शॉर्ट क्वांटिटी भी ऐड किए हैं। तो ये कौन सा पोजिशन क्लोज करते हैं ये मार्केट को ऊपर ले जाके, मुझे लग रहा है कि कल ये मार्केट लगभग 100 पॉइंट ऊपर रखेंगे और ये वाली पोजिशन अपना जो है लॉन्ग वाली पोजिशन पहले बुक करेंगे, क्योंकि अगर इनको शॉर्ट पोजिशन क्लोज करना होता तो ये आज शॉर्ट करते पोजिशन क्लोज करते यहाँ पे लॉन्ग नहीं करते, तो ये कल के लिए पोजिशन बनाया गया है, ये मार्केट में क्या करेंगे ऊपर ले जाके पहले ये पोजिशन फिर बुक करेंगे और ये शॉर्ट वाली पोजिशन रखेंगे। तो ओवरऑल मेरा जहां तक व्यू है वो ऐसे ही करेंगे। और यहाँ पे प्रो की बात करें तो प्रो आप देखें बिल्कुल न्यूट्रल, इन्होंने थोड़ा सा आज जो पोजीशन वो लॉन्ग के लिए बनाया है, यानी इनका मनी फ्लो थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली जो है वो पॉजिटिव है कल के लिए। एक बार अगर आप DI की बात करें तो DI एज यूजुअल इनका 12,000 क्वांटिटी अभी भी शॉर्ट पड़ा हुआ है, इन्होंने शॉर्ट थोड़ा सा क्लोज किया है। तो यहाँ पे आप अगर एनालिसिस की बेसिस पे देखें तो एनालिसिस में अगर आप ऑप्शंस में और फ्यूचर में एनालिसिस देखें तो क्या क्या है, बोथ क्लोज बेयरिश है हमारे कौन से क्लाइंट कल के लिए, इन्होंने क्या किया बोथ क्लोज ये भी बुलिश है, बोथ एड बुलिश है कौन FII थोड़ा सा और प्रो ने क्या किया है बोथ एड बुलिश। तो यहाँ पे कल के लिए हमारे दोनों बड़े प्लेयर थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश हैं और क्लाइंट हमारे यहाँ पे बेयरिश हैं। आप ये डेटा देख सकते हैं डेटा बेसिस पे, यहाँ पे भी आपको यही सेम चीज दिखाई देगा। और ऑप्शन में आप देखें तो ऑप्शन में क्या किया है, लॉन्ग कल लॉन्ग पुट एंड पुट जो है वो उन्होंने शॉर्ट किया है, ये बुलिश है यहाँ पे कौन है हमारे FII, इन्होंने कॉल की लॉन्ग की है थोड़ा सा। एक मिनट दोस्तों मैं आपको इस सीट पे दिखाता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने कॉल जो है इनका कॉल लॉन्ग पड़ा है थोड़ा सा, ये कल के लिए स्लाइटली 14,000 ही क्वांटिटी इन्होंने क्लोज किया है जबकि मार्केट नीचे आया और पुट की इन्होंने राइटिंग किया था उन्होंने उसका क्लोज नहीं किया है। तो अभी भी इनका जो मार्केट के प्रति डेटा है
वो बुलिश ने इसके 242,000 2,42,000 इन्होंने कॉल बाय करके गए हैं, 4,37,000 ये राइट करके गए हैं पुट को, यानी यहां से फुल्ली बुलिश हैं और ये भी यहां पे हैं। और यहां पे एफआई ने किया है 61,000, देखिए कल इन्होंने थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन बनाया है कल के लिए, यानी 1,71,000 से 2,32,000 हुआ है पुट की तरफ से, इनका पोजीशन कम है 4,15,000 से 47,000 ठीक कल के लिए है। तो कल के लिए मनी फ्लो इनका ओवरव्यू मार्केट में बेरिश है, लेकिन कल के लिए मनी फ्लो इनका पॉजिटिव है। आप देखें कि यहाँ कल इनका पैसा कहाँ पे, यहाँ 61,000 यहाँ पे क्या है, ये पैसा थोड़ा सा इन मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए है और इन्होंने ये पुट की बाइंग किया है, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो मार्केट में ये लॉन्ग पोजिशन ये कॉल की बाइंग ज्यादा की है। और एस एस एल प्रो की अगर बात करें तो प्रो के पास बहुत ही हेवी राइटिंग है, 4,75,000 आप ये देखें, लेकिन ये बहुत ही ऊपर राइटिंग के 17,200 की इनकी राइटिंग है मैक्सिमम इसमें, तो इनको ज्यादा नुकसान नहीं होना अगर यहाँ से 100 पॉइंट भी मार गया, ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गए हैं प्रो। तो मार्केट में ये थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट पोजिशन और इनिशिएट कर दिया है लॉन्ग साइड जो कॉल साइड, और पुट साइड 30,000 किया है। तो ये कौन से स्ट्राइक प्राइस पे किए हैं उसको हम देखेंगे, यानी यहाँ से स्लाइटली मार्केट ऊपर रहने के चांसेस आपको 50-60 पॉइंट मार्केट ओपन खुलेगा, फिर लाइव मार्केट में देखेंगे हम कि डेटा हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप देखें कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ये सेल किए हैं, तो रेशियो हमें यहां से तो बेयरिश इंडिकेशन कर रहा है ऑप्शन चेन का, 3,00,000 जो 20,000 पोजिशन कॉल की तरफ बनाया गया है, पुट की तरफ मात्र 27,000 पोजिशन बनाया गया है, तो डेटा मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि राइटिंग किया गया है वो आपको 17,000 के पास किया है, तो मार्केट एक बार थोड़ा सा आपको हो सकता है एक बार बाउंस बैक दे ताकि क्लाइंट वहां पर फिर फंसे। और यहाँ पे देखें 16,900 पे भी 82,000 आपको 17,000 पे भी ये किया है, तो 900 के ऊपर अभी जाना मार्केट को बहुत मुश्किल है, मार्केट में एक बार 900-930 मैक्सिमम जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा, इसको हम अपने प्राइस एक्शन पे भी देखेंगे। और यहाँ पे आप देखें तो जो आपको 16,600 ये पोजिशन बनाया गया है यहाँ पे 16,600 पे बड़े प्लेयर द्वारा ये जो बाइंग किया गया है हमारे FII द्वारा, और इसको आप अगर नेक्स्ट वीक में देखें कि नेक्स्ट वीक का डेटा हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि पुट की तरफ जो है वो 16,500 के पास पोजिशन बनाया जा रहा है, 16,800-9,000 के पास भी बना है, लेकिन 17,000 पर मैक्सिमम अभी राइट हो कॉल साइड हो रहा है। पुट साइड ये दोस्तों बाइंग है, आप यहां देखें ये जो है 15,000 ये बाइंग किया गया हमारे FII द्वारा, और ये मार्केट में नीचे रहने के ही चांसेस हैं, डेटा हमें इंडिकेशन वही कर रहा है। आप अगर अगले मंथली का भी देखेंगे, देखना जरूरी है ताकि हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चले, तो आप देख सकते हैं कि कॉल साइड पोजिशन है वो इन द मनी, यहाँ पे फिर पोजिशन 16,500 पे कल भी पोजिशन बनाया गया, तो एक पोजिशन यहाँ पे बनाया जा रहा है इन द मनी। पुट साइड ऐसा कोई आपको इन द मनी 17,000 पे एक पोजिशन बनाया है, ये 17,200 इसके ऊपर कहीं पोजिशन आपको बनता नहीं हुआ है, लेकिन यहां से लगभग 300 पॉइंट नीचे कॉल साइड पोजिशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक आपको एक दो दिन में और डेटा कंफर्म हो जाएगा। चलिए एक बार बैंक निफ्टी का भी हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या पोजिशन बन रहा है और बैंक निफ्टी में हमें कैसे कल ट्रेड करना है। दोस्तों मार्केट में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिना डेटा आप मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। हो सकता है आपको डेटा थोड़ा समझने में वक्त लगे, लेकिन आप डेटा को पकड़िए, बड़े प्लेयर के पोजिशन को पकड़िए। जब आप बड़े प्लेयर के पोजिशन को पकड़ेंगे लाइव मार्केट में, तो क्लियर आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या करना चाहते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि देखिए यहां 2,56,000 यानी आपको 2,55,000 अभी भी यहां पे जो बड़े प्लेयर द्वारा वो क्या किया है, राइटिंग किया गया है कॉल का, यानी इनका जो मैक्सिमम पोजीशन का है 38,000 के पास। ये चीजें आप देखें 38,000 के पास ये, जो 74,000 इसके बाद 38,200 के पास ये, 37,800 के पास भी किया गया, और इन द मनी भी 37,000 ये राइटिंग किया गया, जबकि यहां कहीं भी आपको पुट साइड कोई भी नहीं है। तो इन द मनी का पुट साइड क्या है, मनी फ्लो निगेटिव है, जबकि आप अगर अलग अलग मनी फ्लो निकालेंगे तो यहां पे कॉल साइड के इन द मनी क्या है वो मनी फ्लो पॉजिटिव है। तो ये हमें डेटा ही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट क्या है, बिल्कुल बैंक निफ्टी भी बेरिश है यहाँ पे, और ओवरऑल हमें ये जो रेशियो इंडिकेट ये भी कर रहा है 2.6 का कि बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, 38,000 एक बार मैक्सिमम जो 37,700 एक बार टच कर सकता है, उससे ज्यादा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। चलिए इसको हम एक बार प्राइस एक्शन पे देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देखें कि मार्केट में पूरा एक रेंज बन रहा है, एक चैनल में चल रहा है ये निफ्टी, तो एक बार आपको 16,757 ये अगर लो को ब्रेक करेगा तो फिर नीचे जाएगा, 16,057 मैक्सिमम लो हो सकता है, यहां से ऊपर अगर बाउंस बढ़ेगा तो भी हमें अभी लॉन्ग होना है आपको 16,880 के ऊपर। अभी 16,858 यहां से 30-40 पॉइंट ऊपर जाता है तो लॉन्ग जाना है
टारगेट हमारा 940 का, 17,000 का, 17,020 का और 17,100 का रहेगा। शॉर्ट होना है 16,800 के नीचे, एंड 16,800 के नीचे टारगेट हमारा आपको 16,720 का टारगेट, 740 का ये जो लेवल है ये इस लेवल पे आ जाएगा, और फिर आपको 16,670 का टारगेट आ जाएगा। दोस्तों इसको अगर वीकली बेसिस पे देखें आप, तो हम इसको एक्चुअली क्या कि सैटरडे के दिन एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि नेक्स्ट टारगेट 16,200 आपको ये दिख रहा है जो यहां से आया है, आपको 0.78 इन जो है आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वो आपको दिख रहा है 16,248 का। तो यहां तक एक बार मार्केट 16,300 टच कर सकता है, लेकिन कल का हमारा यही एनालिसिस रहेगा। और आप देखें ये डेली बेसिस पे आप देख सकते हैं चार्ट कि डेली बेसिस पे जो मार्केट में पोजीशन बना के क्या है, मार्केट पूरे यहां तक सपोर्ट किया इस लेवल को, इस लेवल तक मार्केट आया, फिर यहां से नीचे आया, फिर इस लेवल को सपोर्ट किया और यहां पर फिर इसको जैसे ब्रेक किया तो नीचे आया। तो एक यहां पर आप देख सकते हैं कि जो अभी 16,550 का 650 का लेवल है आपको 850 का, ये आपको बिल्कुल 650, 750, 850 ये सब आपको सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 16,850 अभी एक सपोर्ट का काम करेगा यहां से, यहां से हो सकता है एक बार बाउंस बैक करे, नहीं अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 840, 830 के लेवल को, तो फिर आपको 430 और हम जो बताए थे आपको वो लेवल आपको 16,300 को देखने को मिलेगा। तो कल एक बार हो सकता है थोड़ा सा बाउंस बैक आए स्लाइटली, आपको मैक्सिमम आपको 18,000 तक मैक्सिमम, ये हमारा निफ्टी का टारगेट रहा दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम पूरे बीडब्ल्यू में बीडब्ल्यू को जैसे ब्रेक किया नीचे आ गया, एक सेलिंग प्रेशर 37,661 आपको एक बिल्कुल सपोर्ट का काम कर रहा है। लॉन्ग होना है हमारा 37,840 के ऊपर, टारगेट हमारा 38,000 का रहेगा, 38,300 का और 38,600 का टारगेट रहेगा हमारा। शॉर्ट होना है दोस्तों 37,450 के नीचे, 480 के नीचे माफ करिएगा आपको 750 यहां तक आपको 37,480 के नीचे शॉर्ट होना है, टारगेट 37,300 का टारगेट रहेगा हमारा, 37,000 का, 36,840 का। तो यहां से आप देखिए बीडब्ल्यू में थोड़ा सा दूर हो गया है, तो एक बार जरूर 38,000 के पास टच करने जाएगा, जो हमारा ऑप्शन चेन भी इंडिकेशन वही कर रहा था। तो आप अगर वीकली में भी देखें तो देख सकते हैं कि इसका जो 0.78 लेवल आपको 36,560 के पास दिख रहा है, और अभी 37,700 तो यहां से लगभग 1000 पॉइंट हाई मार्केट एक बार जरूर इसको टच करेगा, अगले एक्सपायरी तक जरूर टच कर जाएगा। और आप डेली बेसिस पे देखें कि एक अच्छा खासा गिरावट जहां है टॉप से सेलिंग आ गया है और एक स्ट्रेट लगभग गिरावट आ रहा है, तो एक बिल्कुल अभी एक सपोर्ट का काम कर रहा है, यहां तक थोड़ा सा रुकना चाहिए। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर आपको 36,350 और फिर आपको 34,000 का टारगेट बहुत नीचे आ जाएगा। ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल रहा दोस्तों। देखें FII कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, ये आज भी लगभग 2700 करोड़ का लगभग सेल किया है, और DII ने थोड़ा सा उनके बाद बाइंग करने का किया है, लेकिन क्या है कि FII बास्केट सेलिंग करते हैं और हैवी वेटेड स्टॉक में सेलिंग करते हैं। और भी आज देखें क्या आज एकदम शार्प 2:00 यानी 2 बजे उन्होंने सेलिंग स्टार्ट किया और मार्केट को एक अच्छा खासा नीचे लेके आ गए। तो दोस्तों ये सब सारी चीजें हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते हैं लाइव मार्केट में पूरे स्टॉप लॉस के साथ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सब कुछ डेटा बेसिस पे बता दिया था कि स्लाइटली अपसाइड अप टू 16,920 टच 16,910 रिवर्सल में हैपन स्लाइटली अपसाइड यहां से, और मार्केट वहां से थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। कीप सेल ऑन बाय प्राइस बुक अबव 125 बाय, मैं यहाँ पर बाय सेल भी देता हूँ पूरे और डेटा के साथ, और मेरा एक प्रीमियम ग्रुप है जिसमें मैं पूरा डेटा के साथ यहाँ पर बाय सेल देते हैं कि क्या हो रहा है लेवल के साथ। तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, गिवन बाय कॉल प्रीमियम ग्रुप अगेन बाउंस बैक, ये सब सारी चीजें मैं वहां पर बताता हूँ। और देखिए एक मेरा कोर्सेस है जहां पे अभी जो 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, और हमारे ये जुलाई बैच के स्टूडेंट हैं जो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। आप देखिए वंस अगेन मेनी थैंक्स टू यू सर, यहाँ पे डेटा बेसिस पे ट्रेड करते हैं, डेटा में कैसे हमें पता चल जाता है लाइव मार्केट में कि बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, वो सब सारे चीजें बता सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। हमारी एक कोर्स की फैसिलिटी है, पूरे एक्सेल में सब कुछ बताया जाता है जीरो से कि कैसे एक्सेल में डेटा ऑटोमेट करते हैं, कैसे उसको स्क्रीन बनाना है, डेटा ऑटो में कैसे आता है, उसमें एक लॉजिक कैसे लिखते हैं, आईवी क्या काम करता है, सीओआई वॉल्यूम क्या करता है, सबका आरओसी निकाल के हम डेटाबेसिस पे बात करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं कि कैसे हमें उसको एनालिसिस करना है, ये सब सारे चीजें बताया जाता है। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। कुछ स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं हम कि कौन से स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना है। दोस्तों मैं अभी आपको मनी फ्लो यहाँ पे देखिए पूरे 1800 स्टॉक्स यानी यहाँ है, इसमें से ये स्टॉक सिलेक्ट कहता है, और ये डेटा अपडेट देखिए 28 का डेटा अपडेट है,
मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट जैसे मनी फ्लो पे क्लिक करूंगा तो ऑटो में स्टॉक सिलेक्ट होकर आता है, ये बेस्ड ऑन द डिलीवरी परसेंटेज एंड डिलीवरी TQYNT पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक SHASE है, टाटा कॉफी ही, ये दो स्टॉक्स हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए आए। और इंट्राडे के लिए मैं आपको स्टॉक सिलेक्ट करके देता हूँ, एक अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिटेबल होगा दोस्तों, आप इसमें जाके देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना है। तो आप देख सकते हैं कि एक HELCT है, नीलकमल है, TCS है, और एक बिल है और कोलपाल, ये एक अच्छा खासा इतने स्टॉक्स हमारे निकल के आए हैं, इसमें आप बिल्कुल कल प्रॉफिटेबल रहने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करिए और इस चैनल को जरूर फॉलो करिए दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन का भी प्रेस करके देखिए, यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन का SIN है दोस्तों। एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के आधार बनाया है, इसके आधार पर बाई सेल या होल्ड का पोजीशन क्रिएट कर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, उन्हीं के सलाह पर बाई सेल होल्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ऐसा करता हूँ कि आपका दिन प्रॉफिटेबल है, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।